हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल। सर, गुड आफ्टरनून. वी आर फाइन सर. व्हाट अबाउट यू? एम आल्सो फाइन बेटा, थैंक यू। बेटा, इन आवर लास्ट क्लास वी स्टडीड दैट कि हाउ टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन नंबर। तो फ्रैक्शन नंबर को किसी होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और फ्रैक्शन को किसी अनदर फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें फिलहाल हम लोगों ने इसके पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है। और इसके बावजूद भी आप लोगों को समझाते हुए आपको कुछ होमवर्क दिए गए थे करने के लिए। द होमवर्क वॉज 2.2, एक्सरसाइज 2.2। मेनी ऑफ यू ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड एंड सेंड योर आंसर। आई हैव चेक्ड, दैट इज अ ग्रेट हूएवर हैव कंप्लीटेड। कई सारे बच्चों ने नहीं किया है, तो जिन लोगों ने नहीं किया है या फिर उन्होंने किया है फोटो नहीं भेजा है, तो वो उनको कंप्लीट करके भेजना चाहिए। फिलहाल महक, वन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज एक एक करके एक बार मैं पूछ ही ले रहा हूं। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछिएगा, मैं तुरंत ही इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्रॉम K1 क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द K1, इवेलुएट द फॉलोइंग। दैट मीन्स कि देयर इज अ फ्रैक्शन नंबर एंड वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद द होल नंबर, वन ऑफ द होल नंबर। सो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम या सभी लोगों ने कर लिया है? बेटा मुझे जवाब चाहिए तुरंत, जल्दी जल्दी। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. इसमें फंस जाती है. कौन सा क्वेश्चन बेटा? डू बीच में फंस जाती है. वन थिंग, डू वन थिंग। आई थिंक यू आर हैविंग सम नेटवर्क इशू। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन टेक्स्ट मी द क्वेश्चन नंबर K1, K2, K3 का विच ऑप्शन डू यू नीड, दैट शुड बी एक्सप्लेन। जल्दी से मुझे मैसेज करिए, या फिर अभी अभी आपका मूविंग पिक्चर दिखने लगा, आप बताइए। नहीं नहीं आ रहा है, चलिए आप मुझे मैसेज करिए, मैसेज करिए। तब तक एक काम करता हूँ बेटा, ये आपका सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है मैंने सारी चीजें सिखाया था। अभी A1 की बात करें हम, अगर ये K1, K2, K3 में किसी भी बच्चे को किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आई है, तो वो मुझे क्वेश्चन नंबर मैसेज करे, आई विल एक्सप्लेन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इज, अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इजी है एक तरीके से, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अ मैंस मंथली इनकम इज 15,000 रुपीज। एक किसी मैन की जो मंथली इनकम है वो कितना है? 15,000 रुपीज है। ही स्पेंड्स 3/5 ऑफ इट एवरी मंथ। ये इसका 3/5 जो है, जो किसका 15,000 का जो 3/5 पार्ट जो है वो क्या करता है, हर महीने स्पेंड करता है, खर्चा करता है। फाइंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर, तो आखिर उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना हुआ? तो ये 3/5 यहाँ पे लिखा है, 3/5 किसका? 3/5 ऑफ हिज इनकम, जो उसका इनकम है, तो उसका इनकम कितना है? 15,000। तो 15,000 का 3/5 कैसे निकालेंगे? किसी भी वैल्यू का, किसी भी वैल्यू का आपको जो भी पार्ट निकालना हो उस पर्टिकुलर पार्ट से इसको मल्टीप्लाई कर दो। लेट से कि आपको 3/5, इसका 3/5 पार्ट आपको निकालना है, तो 3/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी वुड बी गेटिंग द 3/5 ऑफ दिस नंबर। सो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, व्हाट वी कैन डू, वी कैन कैंसिल दिस वन। 5 3 15, ये हो जाएगा 0 0, यानी 300। 300 × 3 इक्वल टू हाउ मच? 900 रुपीज। डू वन थिंग, एक्चुअली इट इज अ 500, 1500, बट इन द क्वेश्चन देयर इज अ 15,000, सो वी नीड टू करेक्ट इट, हमें इसको सही करना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो यस और बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 5 3 15, 0 0 0, यानी 3,000। 3,000 × 3 इक्वल टू 9,000। 1000 9,000 क्या है? 9,000 इज द, सर रुपीस 9,000 इज द एक्सपेंडिचर,
9,000 is the his monthly expenditure. This is the his monthly expenditure. Yes, sir. बेटा ये गया, बंद हो गया सिस्टम. जस्ट वेट. जस्ट वेट. एक्चुअल में बारिश काफी हो रही है और कल से धूप भी नहीं निकल रही है, तो ऐसे में कोई भी इन्वर्टर वगैरह चार्ज नहीं है. मुश्किलें आ रही हैं क्लास चलाने में, सिस्टम चल नहीं पा रही है, बट फिर भी जब तक चल रहा है तब तक चलाते हैं. तो A1 समझ में आया फिलहाल सभी को? यस यस सर. A1 के पहले किस K1 K2 K3 में महक या अविरल किसी को भी कोई प्रॉब्लम? नो सर. नो सर. ओके, ये एप्लीकेशन बेस्ड सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी. A2 की बात करें तो द क्वेश्चन इज अ मैन वॉक्स टू होल फोर अपॉन फाइव. अगर इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर आप इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, कितना आएगा? 5 to the 10. हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर? एक घंटे में अगर इतना करता है तो आखिर कितना डिस्टेंस ही विल कवर, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा कितने घंटे में? इतने घंटे में ये कितना घंटा है? 2 whole 1/2 यानी 5/2, यानी एक तरीके से 5/2 लिख सकते हैं इसको. इसको 5/2 लिख सकते हैं. तो आखिर एक घंटे में, अब ये तो वही वाली बात है, एक घंटे में अगर कोई इंसान 5 किलोमीटर चलता है तो 2 घंटे में कितना चलेगा? उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 किलोमीटर में कितना चलेगा? 1. यस सर. 1 घंटे में जितना चलता है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो होगा. तो ठीक उसी तरीके से 1 घंटे में अगर इतना किलोमीटर चलता है तो 2.5 घंटे में यानी 5/2 घंटे में कितना चलेगा? इसी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं? आ जाएगा आंसर? यस सर. यस सर. ये 14 यहाँ पे आपको ऐसे लिखना रहता है, एज द मैन वॉक fourteen upon five kilometer in 1 hour. So he will walk 14/5 into how many? 5/2. In, okay, अब इसको कैलकुलेट कर लो. इसको जब आप yes, करेंगे तो क्या होगा? आप देखेंगे 2, 7 जा 14, 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर. 7 किलोमीटर इज योर आंसर. ओके. यस सर. किसी को कोई समस्या ना समझ में आया हो? A3. नो सर. Next question is, no. a man gave 1/3 of 2000 to his son. आखिर जो एक आदमी है वो इतने रुपए का 1/3 यानी 1/3 जो है वो अपने बच्चे को देता है, अपने बेटे को देता है. 1/5 of the amount यानी उसी amount का जो 1/5 amount है वो किसको देता है? अपनी बिटिया को देता है, daughter को देता है. And the remaining amount. इतने का जो 1/3 था वो सन को देता है, इसी अमाउंट का जो 1/5 होता है वो अपनी डॉटर को देता है, फिर जो बाकी पैसा बचता है वो किसको दे देता है? अपने वाइफ को. अब फिर यहाँ पे पूछा गया, हाउ मच मनी डिड हिज वाइफ गेट? आखिर उसकी जो वाइफ है कितना पैसा पाई?
2800 ये 42,000 में क्या करेंगे, जो उसने बच्चे को अपने बेटे को दिया वो कम कर दीजिए, जो अपनी बिटिया को दिया उसने उसको कम कर दीजिए, तो जो बाकी पैसा बचा वो पूरा अपने वाइफ को दे दिया। तो पहले पता करते हैं अपने बेटे को उसने दिया कितना, तो अपने बेटे को दिया कितना था 1/3 ऑफ दिस अमाउंट। इस अमाउंट का 1/3 कैसे पता चलेगा, 42,000 का 1/3 कितना होगा, इसको जानने के लिए क्या करेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 14,000, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी 14,000 टू हिज सन। आप अपने सन को दिया था ना ये, अब 42,000 का ही वन फिफ्थ अमाउंट था, 1/5 वो अपने बच्चे को दिया था ना, डॉटर को। जरा इसको yes, sir. को कैंसिल करके देखते हैं, 5, 8 = 40 बचा 2, 0, 5, 3, 5, 4 = 20 0, 0 8,400 हुआ। यस सर, 8,400 रुपीस टू हिज डॉटर। तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट बचा अमाउंट कितना, 42,000 में से दोनों अमाउंट माइनस कर दीजिए, पहले तो 14,000 कम करिए, फिर 8,400 कम करिए, कितना हो जाएगा, अब दोनों माइनस माइनस से इकट्ठा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 14 + 8 = 22,400 फिलहाल। तो 22,400 यानी 22,000 अगर इसमें कम कर देंगे तो सीधा सीधा 20 बचेगा, 20 में और 400 कम कर देंगे कितना बचेगा, 19,600 रुपीस, यही तो आएगा। आप लोग का भी यही आया है या कुछ और? यस सर, यस, he gave to his wife, ये चीजें क्लियर है, आसान क्वेश्चन से सारे, तो 7th के लेवल का तो लग नहीं रहा है, नहीं तो 4th-5th का जोड़ घटान मल्टीप्लाई और डिवाइड के बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, एक तरीके से एक एक लाइन वाले क्वेश्चन। समझ में आ रहा है सभी को, कर ले जाएंगे? यस सर। A4 की बात करें, इफ 1 meter ऑफ अ क्लॉथ, इफ यस मीटर ऑफ अ क्लॉथ कॉस्ट इतना, अगर 1 meter किसी कपड़े का इतना कॉस्ट बनता है तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ इतना मीटर ऑफ द क्लॉथ, ये तो वही बात हुई, 1 meter का इतना है तो आखिर इतने मीटर का कितना पैसा होगा, इसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाना चाहिए ना। तो बहुत आसान है इसको, अगर आप 5 meter होता तब तो चलो समझ में आता, yes, sir. 5 meter होता या कुछ और फ्रैक्शन में होता तो हम उसको 1 meter में चेंज करते फिर करते तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। सीधा सीधा इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा ना। यस सर, बताने की जरूरत है कि आप लोगों ने किया है? यस सर, किया है या नहीं? सर किया, चलिए, देयर आर 1800 एप्पल्स इन अ बॉक्स, किसी बॉक्स में 1800 एप्पल्स, 4/18 of them are rotten. आखिर जो 1800 apples थे उसमें 4/18 जो part of apples थे वो क्या हुए? खराब हो गए, सड़ गए. And 2/5 of it once sold. और जो इसका 2/5 part था वो बेच दिए गए. अब how many apples are left? आखिर इतने apples में से इतने apple सड़ गए यानी खराब हो गए, इनको निकाल दीजिए यानी इनको माइनस कर दीजिए, इतने apple आपके बिक गए, बिक गए यानी ये भी कम हो गए, तो आखिर बचे कितने? तो टोटल इसका पहले 4/18 पार्ट निकालें, ये है आखिर कितना, 2/5 पार्ट निकालें, इसको भी देखें है आखिर कितना, फिर जो भी आए ये इसमें से कम कर दो, इसको भी कम कर दो, जो बाकी बचा वही तो एप्पल बचेंगे, क्यों? यस सर, यस सर, 4/18 ऑफ 1800 कैसे निकालेंगे, 18 × 4/18 ऐसे तो निकालेंगे। अब बताइए 18 इतना आसान से दे दिया गया है, इससे आसान क्या हो सकता है, कितना आ रहा है 400 एप्पल्स, यस, और 2/5 ऑफ
क्या होगा, इसको भी 2 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अगर आप इसको काटेंगे क्या पाएंगे? यस सर, 5 3 15, 5 6 30, 5 3 15, यहाँ पे बचेगा 30, 5 6 30, 5 0 0, 360 into 2 equal to कितना आ जाएगा? 720. तो आखिर out of 1800 apples, 400 apples तो सड़ गए, 720 apples बिक गए, तो आखिर कितने कम हो गए? 700 plus 400 यानी 1120 तो कम हो गए, तो बच्चे कितने? 720 माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 1800 सर 680 जीरो, क्या हुआ बेटा? सर 680 एप्पल्स, ये आपके आंसर आ जाएगा. अभी एक्सरसाइज 2.2 में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर, सारे क्वेश्चंस हो गए बेटा. इसके बाद वाला, यस सर, इसके बाद वाला भी एक्सरसाइज है. ऐसा नहीं है कि कोई नया टॉपिक है कि आप लोग नहीं पढ़े हैं, आप लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस भी कराई गई है. फिलहाल इसी वजह से मैं आपको सिर्फ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को बता दे रहा हूँ. होगा क्या, मान लीजिए आपका कोई ये फ्रैक्शन 1/2 है, अगर कभी इसको किसी होल नंबर से आपको डिवाइड करना हो, डिवाइड बाय 5, तो इसको कैसे करेंगे? मैंने कहा था ना कि अगर कोई होल नंबर है तो इसके डिनोमिनेटर में कितना होता है जो कि लिखा नहीं जाता, जरा बताइए. वन होता है ना, हम ये कह सकते हैं 1/2 को 5/1 से डिवाइड करना है, यही तो कह सकते हैं बेटा. इसमें क्या yes, है, इसमें सिर्फ आपको एक बात डिवीजन सीखने के लिए एक ही बात सिर्फ आपको सीखनी रहती है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल निकालना. रेसिप्रोकल मतलब 1/2 अगर यहाँ पे लिखा है तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? सर 2/1. 2/1 बिल्कुल. अगर यहाँ पे 13/2 लिखा है तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? सर 2/13. अगर यहाँ पे 5/3/2 लिखा है तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? सर 5/2/3. क्या हुआ सर? 5/2/3. नो, रॉन्ग हो जाएगा. ऐसे जब मिक्स फ्रैक्शन आए तब आपको यहाँ पे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करिए. 5 2 10, 13/2 हो जाएगा, तो इसका क्या होगा? 2/13 होगा रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल निकालना जान जाएंगे? यस यस. तो अब सीधा सीधा आप डिवाइड सीखिए. 5/4 को अगर 4 से आपको डिवाइड करना है, 4 के बजाय कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, 7 से डिवाइड करना है मान लीजिए, तो 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/7. तो आपको डिवाइड के जगह पे बेटा मल्टीप्लाई करना तो बता दिया गया है ना, मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर. नो सर. तो ये डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई करने में बदल दें, इस डिवाइड वाले चिन्ह को अगर मल्टीप्लाई वाले चिन्ह में बदल दें, तो हमें नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी. क्यों? तो 5/4 को आप इस 5 पार्ट को जानते हो कैसे लिख सकते हैं? 5/4 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा लो, लेकिन ये आपका एक जो 7 है इसका रेसिप्रोकल लिख दो, 1/7. यानी जो ये है उसका आंसर ये है. समझ में आया? आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? यस सर. यस सर. आ जाएगा 5/28. समझ में आया? यस सर. आप चाहे तो 5/4 यहाँ पे लिखा था, तो चाहे आप ऐसे कर सकते थे, 7/1 करें या ना करें. तो कई बार आपको ध्यान देना रहता है इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर साथ में आएगा, यानी साथ में मल्टीप्लाई होगा, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, तो ये कैसे बन जाता है बिना मल्टीप्लाई किए? तो 5 और 7 ये 1 है ना, तो ये 1 आएगा, 1 यानी ये 5 और ये 1 एक साथ में आ गए, और ये दोनों साथ में आ जाएंगे, 4 × 7
कितना आ जाएगा 5.28। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, कौन सा आसान जो भी लगे आपको आप कर सकते हैं। समझ में आया? यस सर, यस सर। कोई दूसरा नंबर आपको मिल गया 5 whole 3/4 डिवाइड बाय 18/4, फिर क्या करेंगे हम, पहले इसका तो मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करें, 5 4 20 यानी 23/4 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर इसको कैसे लिखें, यहाँ पे क्या करें सर, 18/4 कर दें, यानी इस नंबर का रेसिप्रोकल लिख करके हमने अगर सिंबल चेंज कर दिया तो इस नंबर का रेसिप्रोकल भी तो लिखना पड़ेगा, क्यों? समझ में आया? यस सर। ये 4 4 कैंसिल हो गया, यस सर, 23/18 कर ले जाएंगे। यस सर, ध्यान दीजिए दोनों में से अगर दोनों सेम साइन का है, अगर ये भी आपका पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ओके, अगर इनमें से कोई भी एक नेगेटिव है, यानी दोनों या तो पॉजिटिव रहे या तो दोनों ये भी नेगेटिव रहे, ये देखो अभी ऐसा अगर होता ये -5 whole 3/4 होता और ये -18/4 होता तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या होता, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता तो यानी पॉजिटिव में आंसर आता, यानी अगर ये दोनों चाहे प्लस में रहे या दोनों माइनस में रहे तब तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक ही अगर कोई नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव है तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, इतना ध्यान रहेगा। यस सर, यस सर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, आपका यहाँ पे कैलकुलेशन है, जरा एक एक करके बताइए इसको क्या करेंगे कैसे आएगा, जरा मुझे बताइए क्या करें यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करें, बताइए एक एक मिनट, कोई भी बोले, जो पहले बोलना शुरू करे बाद में दूसरा आदमी नहीं बोलेगा, जल्दी से। सर पहले हम लोग 9 9 9/10 इंटू 1/4 कर देंगे, 1/ सर 45, 1/45 हाँ वही, क्या करें सर, उसके बाद हम लोग 9/45 को कट कर देंगे, 9/45 सर 9 की जगह पे 1 कितना आंसर आएगा सर, 1 1/50, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बताइए, महक आप बताइए सर, 72/1 × 7/12 कर देंगे सर, आंसर आएगा बेटा, एक बात आए, आप चाहे इसको रेसिप्रोकल करें चाहे इसको रेसिप्रोकल करें, किसी एक को ही रेसिप्रोकल लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इसको करें चाहे इसको करें आपका आंसर आएगा, ठीक है। जैसे yes. आपने क्या किया, पहले इसी को सीधा रेसिप्रोकल बता दिया, 1/72 × 12/7, अब दोनों का रेसिप्रोकल नहीं देंगे, नहीं तो आप इसका भी रेसिप्रोकल कर दें इसका भी रेसिप्रोकल कर दें तो गलत हो जाएगा, समझ में आया, तो ये क्या होगा 12/7 कितना आंसर आएगा, ये आंसर आएगा ना। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे इसको इसका रेसिप्रोकल बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रिया जरा आप बताइए, सही से शायद कनेक्ट ही नहीं है, इन्होंने वीडियो बंद कर रखा है, आवाज भी नहीं आ रही है, सही से कनेक्ट ही नहीं है, ऐसे में क्या होगा, 5/11 × 40/99 यही तो होगा। यस सर, इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करेंगे, अब सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा क्योंकि 40 को 11 से नहीं कटेगा, 99 5 से भी नहीं कटेगा, है कि नहीं, तो 4 5 = 200 / ये कितना है, 11 9 = 99 और 9 कितना हो जाएगा 108, 200/1089 इज योर आंसर। ओके,
इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आप जो भी बच्चे लाइन पे हैं बताएं, अविरल महक आप भी बता सकते हैं क्या करेंगे सर। इसमें? पहले हम इसको सर मिक्स फ्रैक्शन को इंप्रॉपर में चेंज करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 8 2 16 17 2, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही रहने दें, 11 3 33 और 1 34 3, क्या ये सही है? यस सर। और सर जहाँ पे कैलकुलेशन लिखा है वहाँ पे चिन्ह है, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह ऑलरेडी लगा है, अब क्या करेंगे, 217 सर, अब 17 17 17 × 77 क्या रहेगा, 17 × 17/3 यही तो आंसर आएगा। अब 17 का टेबल 7 में पढ़ेंगे कितनी बार आएगा, 17 17 क्या 119 119 के 9 कैरी आपका 11 जाएगा, 17 17 17 और 11 कितना होगा, 18 28। सर रॉन्ग है, ये कट जाएगा कि नहीं, क्या ये 289 3 से कटेगा या नहीं, ये कैसे आप लोग जानते हैं, डिविजिबिलिटी रूल देखिए, सम ऑफ ऑल द नंबर्स वेदर इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, है या नहीं? No, 8 2 10 9 19, यानी 2 + 8 10 10 + 9 = 19, 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 289 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इज इट क्लियर? यस सर, यस। अभी कैसे करना है ये सब पता चल गया? यस सर। क्या एक्सरसाइज 2.3 आप लोग कर पाएंगे? क्यों? यस सर। K1 K2 K3 यस सर। S1 पूरा कर ले जाएंगे ना? यस सर। A1 A2 A3 भी करिएगा, छोड़िएगा नहीं, A4 A5 पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके? यस सर, यस सर। क्लियर? इज देयर एनी अदर एक्सरसाइज ऑफ दिस इन दिस चैप्टर 2.3 के बाद भी कोई नेक्स्ट कोई और भी एक्सरसाइज है या यही लास्ट है? नो सर, सही लास्ट। इट इज द लास्ट वन ना? यस सर। ओके, सो यू ऑल नीड टू कंप्लीट इट, आप सभी को इसको कंप्लीट करना है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करने के बाद एक नया चैप्टर शुरुआत कर देंगे, यानी हमारा ये सेकंड चैप्टर मैथ्स का कंप्लीट हो जाएगा। ऑल राइट? यस यस सर। किसी को कुछ पूछना हो नहीं तो फिर आज की क्लास यहीं पे है। आपको एक यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिया गया है, इसको भी एक बार देखने का प्रयास करिएगा। आपको क्या करना है, यू नीड टू चूज टू डिजिट नंबर, कोई एक दो डिजिट का नंबर चूज करना है, फिर क्या करना है, फिर आपको नाउ अडॉप्ट द फॉलोइंग एल्गोरिथम, यानी जो प्रक्रिया है इस तरीके से आप इसको अडॉप्ट करिए, जो ये टू डिजिट का नंबर आपने चूज किया है, यानी डिविडेंड इक्वल टू ग्रेटेस्ट नंबर एंड डिवाइजर इज द लीस्ट नंबर, आप कोई टू डिजिट का जो नंबर दिए हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया है 45, तो टू डिजिट का जो होगा ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो सकता है, 99, तो डिविडेंड मान लीजिए 99 हो गया, डिवाइजर कितना हो गया लीस्ट नंबर, तो टू डिजिट का सबसे लीस्ट नंबर क्या हो सकता है, 10, टेन स्टेप वन डिविडेंड इक्वल टू इफ द रिमाइंडर इज नॉट जीरो डिवाइजर इज न्यू डिवाइडेंड। चलो ठीक है, ये सब तो समझ में आ रहा है, डिविडेंड क्वेश्चन प्लस डिवाइजर, अगर आप इसको करेंगे 10 9 99 10 9 90, यहाँ पे बोला गया इफ द रिमाइंडर इज नॉट जीरो, अगर जो रिमाइंडर है जीरो नहीं आया तो क्या होगा, डिवाइजर विल बी न्यू डिविडेंड, जो डिवाइजर है वो नया डिविडेंड हो जाएगा, तो डिवाइजर अभी तक क्या था, 10 था ना, तो ये नया हमारा डिविडेंड बन जाएगा, यानी 10 बन जाएगा, अब ये डिविडेंड बन गया, ठीक है। अब इसको करो 9 1 9, अब 1 आया, फिर आपका 0 नहीं आया रिमाइंडर, तो फिर से जो डिवाइजर है ये आ जाएगा डिविडेंड की जगह पे, जैसे आप लोग एफसीएफ निकालते हैं। चलो अब इतना करने के बाद क्या बोला गया, क्या करने के लिए, गो टू स्टेप 1 एल्स एफसीएफ बिटवीन द गिवन नंबर इज द डिवाइजर, गो टू स्टेप 1, स्टेप 1 पे जाइए,
write an algorithm for the addition of fraction, subtraction of fraction, multiplication of fraction, division of fraction. बेटा एक तरीके से यहाँ पे एक चीज है जो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नया नहीं था, आप लोग को ऑलरेडी पता है. दिस इज द वे दैट की हाउ टू फाइंड द एस एफ ऑफ एनी नंबर. इफ यू थिंक दैट की देयर इज ए नंबर 10 और 99 का अगर हम एस सी एफ पूछे तो इसका एस सी एफ क्या है, यहाँ पे देख लीजिए इसका एस सी एफ कितना आया, 1. The common factor, highest common factor is the 1. तो इसी algorithm को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जा रहा था. फिलहाल इस वाले 3.3 exercise को आप लोग स्वयं से solve करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं next class में इसको समझा दूंगा बाकी के सारे question. समझाने के लिए मैं अभी भी समझा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्वयं से भी प्रयास करें, क्योंकि स्वयं से जो प्रयास करेंगे वही चीजें आपके लिए ध्यान रहेंगी, वही चीजें आप कर पाएंगे. ओके ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही. गुड बाय. यस सर. गुड बाय एवरीवन सर. गुड बाय सर. गुड बाय.